पिपराइज थाने की पुलिस ने हत्या कर स्कूटी लूटने वाले अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि पिपराइज थाने की पुलिस ने 4 अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है, जिनकी पहचान गैंग लीडर आकाश गुप्ता पुत्र रुदल गुप्ता निवासी बसडीला थाना पनियरा जनपद महाराजगंज, दूसरा समीर अली पुत्र अब्दुल कादिर निवासी बभनौली बुजुर्ग थाना पनियरा जनपद महाराजगंज, तीसरा शाजिद अली पुत्र इद्दन निवासी बभनौली बुजुर्ग थाना पनियरा जनपद महाराजगंज, चौथा सलामत उर्फ कल्लू अंसारी पुत्र समतुल्लाह बभनौली बुजुर्ग थाना पनियरा जनपद महाराजगंज के रूप में हुई है। एसपी नॉर्थ ने बताया कि अभियुक्त अपने गैंग के सदस्यों के साथ सुसंगठित आपराधिक गैंग बनाकर अपने आर्थिक भौतिक लाभ हेतु हत्या कर लूट व चोरी से संबंधित अपराध करने के अभ्यस्तरत अपराधी हैं। इस गैंग के लीडर एवं सदस्यों के आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, आज दिनांक 3/12/2022 को थाना पिपराइच में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा शातिर एवं संगठित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अभियुक्त आकाश गुप्ता एवं उसके अन्य 3 साथियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई। आकाश गुप्ता तथा इसके अन्य 3 साथियों ने मिलकर ब्रजेश सिंह की हत्या की थी तथा उनकी स्कूटी लूट ली थी। इन अभियुक्तों के विरुद्ध 14(1) के अंतर्गत भी कार्रवाई होगी, जिसमें इनकी संपत्तियों की जांच कर और अवैध संपत्तियों को सीज भी किया जाएगा।